जय हिंद। आज की करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर रहेगा क्योंकि हमने 10 डेज की हॉलीडे रखा था समर वेकेशन, उसकी वजह से टाइम ना वेस्ट करते हुए कुछ भी डिस्कस ना करते हुए क्लियर नहीं अच्छा कल हमने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ा था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो 36 नेशनल गेम जो है गुजरात में हुई विशाल, ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में जो देगा ना एसएससी में होगा, ठीक है। 36 नेशनल गेम्स गुजरात में होगी, 37 गोवा में होगी। इसमें क्या कहा गया कि जो 37 गोवा में होगी उसका क्या आ गया मैस्कट, उसका क्या आ गया मैस्कट, उसका मैस्कट मोगा है, इंडियन बाइसन का नाम को मोगा का कहते हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने इसको अनवील किया है, इस मैस्कट को रिलीज किया है। आज हम स्टेट करेंगे गोवा, ठीक है। गोवा कहाँ पे है? गोवा का निकनेम है पर्ल्स ऑफ द ओरिएंट, पर्ल्स ऑफ द ओरिएंट, ठीक है। गवर्नर है पी एस श्रीधरन पिल्लई, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर है। गोवा जो है बहुत साल तक जब इंडिया में पोर्टगीज, सबसे पहले पोर्टगीज आए थे, ठीक है, वास्को डी गामा, वो कैलिकट केरला में आए थे, धीरे धीरे एक दिन वो कहां पहुंच गए गोवा। जब गोवा में गए, गोवा में भी इन्होंने रूल किया 450 ईयर्स तक गोवा में रूल किया था। आजादी के बाद भी कुछ जो पार्ट थे वो पोर्टगीज के पास थे, ठीक है, माही कैरिकाल गोवा दमन एंड दीव, ये पार्ट भी हमारे किसके पास थे पोर्टगीज के पास। 1947 में हम आजाद हुए, कुछ पार्ट पोर्टगीज ने नहीं छोड़े। उसके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय में हमने 1957 में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और हमने गोवा दमन एंड दीव को क्या किया अलग, उनसे आजाद करवाया। जब गोवा एंड दमन एंड दीव अलग करवाए, गोवा को अलग टेरिटरी बनाया गया, दमन एंड दीव को यूटी बनाया गया। दमन एंड दीव अब एक, दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली के साथ अब दो यूटी मिला गई है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, एक एक यूटी बनती है अब ये मिला के, और इनकी कैपिटल होती है दमन, ठीक है। गोवा जो है अरेबियन सी के ऊपर है, ठीक है, इसके नॉर्थ में, ये स्मॉलेस्ट स्टेट है भारत की, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन में स्मॉलेस्ट स्टेट नहीं है, पॉपुलेशन में स्मॉलेस्ट स्टेट सिक्किम है, ठीक है, याद रखिएगा। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया सिक्किम, और स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इज गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी, और कोंकण कोंकणी यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। पणजी जो है कैपिटल है गोवा की, और यहाँ पे बेटा कैमरा नहीं आता इस जगह में, कल गलत यहाँ पे जो लिखा था वो तो दिख ही नहीं रहा था, अभी दिख रहा है, ठीक है। और लैंग्वेज मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है वो है कोंकणी। गोवा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मांडवी, वेरी गुड, मांडवी, ठीक है। और सी जो है अरेबियन सी है। यहाँ पे एक वॉटरफॉल है, कोई बताएगा इस वॉटरफॉल का नाम क्या है? वेरी गुड, खोज वाले लोगों को मिल जाता है, गुड, ठीक है, जो घूमने का शौक रखते हैं उनको होता है, ठीक है। तो सागर यहाँ की क्या है वॉटरफॉल। बहुत से मंगेश्वर गांव है, ठीक है, छोटी सी प्लेस है, लार्जेस्ट जो सिटी है वास्को डी गामा है, कौन सी है वास्को डी गामा, छोटा सा गोवा है, गोवा को घूमने के लिए एक दिन भी नहीं लगता, ठीक है। गोवा इसके साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, यहाँ पे ऊपर गोवा, जिसको नहीं पता गोवा कहाँ पे है, गोरा गोवा, ये गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं, गलत लिखे यार, ये गुजरात यहाँ गोवा है, ये सारा महाराष्ट्र नहीं, ये गोवा, ठीक है, गोवा महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटका महाराष्ट्र गोवा केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ठीक
इसके नॉर्थ में महाराष्ट्र है, गोवा के नॉर्थ में देखिए महाराष्ट्र है, साउथ में कर्नाटक है, ठीक है। टू द ईस्ट इन द सऊदी अरेबियन सी इन द वेस्ट। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया एंड फोर्थ स्मॉलेस्ट बाय पॉपुलेशन। लोकसभा सीट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लोकसभा सीट टू है, राज्यसभा सीट जैसे नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा सीट राज्यसभा सीट 1-2 है, उसी तरह इनकी कितनी है 2-1, ठीक है। और हाईकोर्ट, इसका जो हाईकोर्ट है गोवा में हाईकोर्ट नहीं है, हाईकोर्ट के लिए इनको बॉम्बे जाना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखते हैं इस बार मैंने ऐड की है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत कम ऐड की है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला जो है, यहाँ देखो सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीन क्वेश्चन देखिए भाई, सलीम अली वाइल्ड लाइफ। बेटा जी ठीक बैठो, आपका नाम क्या है? आपको चेयर पढ़ने के लिए होती है, ठीक है। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। अब सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गोवा में है, और जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? कश्मीर, श्रीनगर, ठीक है। कहाँ पे है? श्रीनगर, 10 वर्ग। और सलीम अली कौन है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली को हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। हु इज नॉन बर्ड मैन ऑफ इंडिया? सलीम अली। ये बहुत स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, नहीं भाई एंथ्रोलॉजी, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सारी ये गोवा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, दिख रहा है वहां पे क्लियर है, ठीक है। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फोर्टी गोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्री मरी बर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंशी नेशनल पार्क, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है। अंशी नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क का नाम है गोवा में। चर्च, यूनेस्को, यूनेस्को ने भी अपनी कुछ हेरिटेज साइट जो है गोवा में अनाउंस की है। गोवा में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको हम एक ही नाम के अंदर लाते हैं, वो है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ठीक है। इसमें 7 चर्चेज आती है गोवा की और कॉन्वेंट्स आते हैं, जिसको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? भूमि, हाँ जी भूमि, भूमि पढ़ाया था उस दिन, नहीं तो एब्सेंट नहीं थी, यही पढ़ी कल 5 पेज पीछे, रितिका बोलो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या थी? विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए विलुप्त हो जाए, प्रजातियां है ना, विलुप्त हो जाए, कंजर्व करने के लिए हेरिटेज। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की, जो नए बच्चे हैं यहाँ देखिए, ठीक है, ये देख लो मैं यहाँ से करवा रही हूँ, ये एक ऑर्गन है, एक बॉडी है यूनाइटेड, ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ऑर्गन है, ये मेन ऑर्गन है जो काम करते हैं। बॉडीज वो हैं जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं, ठीक है, उनको वर्ल्ड के हेरिटेज, वर्ल्ड में फूड किस कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है। अभी रिसेंटली कौन सा देश है यहाँ पे यूनेस्को ने कहा है, यूएन ने कहा है हम वहाँ पे फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे? करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ठीक बोल रहा मैं, पैलेस्टीन,
पहली स्क्रीन में कहा कि उनके पास इतनी एड ही नहीं है कि वहां पे वो फूड को प्रोवाइड करे, ठीक है, याद रखिएगा, फूड प्रोवाइड करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह यूनेस्को की एक ऑर्गन बॉडी है जिसका नाम यूएन की ऑर्गन बॉडी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चरल साइंटिफिक एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी हेरिटेज पुरानी बिल्डिंग्स हैं फोर्ट्स हैं उनको क्या करना है, सेव करके रखना है। इसी तरह से गोवा की 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड किया है, एक नाम दिया है और उसका नाम है चर्चेज एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा। इंडिया में कितनी है, 40, ठीक है, इंडिया में यूनेस्को की साइट कितनी है, 40, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 39 और 40 जो है वो अभी क्वेश्चन में रहेगा एग्जाम पे। वो एक लड़की है उसका नाम है, नेक्स्ट क्लास में आती है, रामपाली है उसका नाम, मिस्टर राम की रुद्रमा, ये रुद्रमा टेम्पल है, ठीक है, रामपा टेम्पल या रुद्रमा टेम्पल एंड डोला भी उसका नाम है रिकाम्ब्रा देवी, मैं उसको रुद्रमा देवी, ठीक है, ये सारे क्या है इसके पार्ट्स हैं। रामपा रुद्रमा ये तेलंगाना में कहाँ पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बच्चा एग्जाम में, ठीक है, तेलंगाना। और ये डोलावीरा जो है कहाँ पे है, गुजरात, ये गुजरात की क्या है, लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन गुजरात, ठीक है, डोलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा एक रह गया, गोवा की हाईएस्ट पीक है सनसोगोर, ठीक है, गोवा की हाईएस्ट पीक है सनसोगोर। प्रियंका, यूटी जेएनके की हाईएस्ट पीक, जेएनके की हाईएस्ट पीक यूटी मींस जेएनके पहले जो थी वो, अभी रुक भाई, पहले जो थी स्टेट, हाँ पहले जब स्टेट थी तब लद्दाख भी भारत में था, जेएनके में था, तो लद्दाख की जो हाईएस्ट पीक थी वो हाईएस्ट पीक थी जेएनके की, ठीक है, अब लद्दाख अलग हो गया, अब जेएनके ये यूटी है उसकी हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, जे के एस एस पी के लिए सनसेट पॉइंट, ठीक है, सनसेट पॉइंट पुंछ में है, ये क्या है हाईएस्ट पीक का यूटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ यूटी जे एंड याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दून्स हैं, कोटली दून्स, उधमपुर दून्स, कठुआ दून्स में आते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी जेकेएसएसपी में है। और जो यहाँ पे रेंजेस आती हैं वो पीर पंचाल शिवालिक रेंजेस आती हैं, कौन कौन सी, पीर पंचाल एंड शिवालिक रेंजेस आती हैं। अब मैंने यहाँ पे फोर डाले हैं, ये एक क्वेश्चन रह गया एनडीए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी आप पोर्ट याद करें, कल मुझे सारे लोग याद करें, सभी का है तो सबके लिए, पोर्ट के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, एक पोर्ट का नाम कोलकाता पोर्ट का नाम आया ना तुम्हारे किसी एग्जाम में एसएससी के, ठीक है, अभी तुमने दिया 30 मेजर पोर्ट्स है, 9 कोस्टल एरियाज में है। जब भारत एक था, जब पाकिस्तान में था, तब जो सबसे पुराना पोर्ट था भारत के पास कराची पोर्ट था, कौन सा था, कराची पोर्ट, सबसे ज्यादा काम कराची पोर्ट के में उतरे। जब आजाद होने के बाद जब भारत पार्टीशन हुई, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया ने तब कराची पोर्ट के बाद पहला पोर्ट कौन सा बनाया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन भी बड़ी बार आता है, दैट इज खांडला, ठीक है। और टीसीएस पोर्ट जो है, लार्जेस्ट पोर्ट जो है नवाशवा या मुंबई पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये फर्स्ट लैंडलेस लैंडलॉर्ड पोर्ट भी है, ठीक है, ये भारत का लैंडलॉर्ड पोर्ट भी है, ये भी याद रखिएगा। इन सारे पोर्ट्स में इंडिया के फंक्शंस होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है। और चेन्नई तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट, कोची पोर्ट केरला में, इनोर तमिलनाडु में,
कॉल करता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। हांडला फोर्ट का भी नाम चेंज हो गया है, कांटा फोर्ट का नाम है एक दीनदयाल मुखर्जी फोर्ट, ठीक है। ये भी याद किया। मंगलोर फोर्ट कर्नाटका, मारमू गोवा, गोवा में दो फोर्ट है, ठीक है, बट ज्यादा फंक्शन जो होती है मारमू गोवा में होती है। मुंबई फोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नवशेवा फोर्ट ये महाराष्ट्र में, पैरादीप फोर्ट ओडिशा में, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल फोर्ट भी है, ठीक है। टुटीकोरन, इनमें से कुछ फोर्ट जो है ब्रिटिशर्स ने भी बनाए हैं। टुटीकोरन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पोर्ट ब्लेयर आंध्र प्रदेश निकोबार। फादर ऑफ इंडियन नेवी किसको कहते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज, ये भी याद रखना है क्योंकि पोर्ट कर रहे हैं तो नेवी ना याद करे तो। गोवा का दूसरा बड़ा कौन सा? चेक कर लो भाई। अब आज ज्यादातर मैंने करंट अफेयर में जितने भी इस मंथ के स्पोर्ट्स थे वो उठाए, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स का सारा एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट बीच बीच में आते रहेंगे। देखिए आप सबको पता है 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर भी चढ़ेगा आप सबको, ठीक है, क्योंकि इंडिया में होना है, ठीक है। सेमीफाइनल जो होगा ईडन गार्डन और वांखड़े स्टेडियम, वांखड़े स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई और ईडन गार्डन कोलकाता। लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और अहमदाबाद और ईडन गार्डन सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है। हॉकी का लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा? अमन बिरसा मुंडा, याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन याद। हम ईडन गार्डन जो है वो इंडिया का ना? हाँ भाई कोलकाता में। नमी आप वर्ल्ड कप बता रहे हो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट भाई? इंडिया का वर्ल्ड कप तो इसमें यार तो तरीके से सेमीफाइनल होगा दोनों भाई। इंडिया का बता रही हूं, वर्ल्ड नहीं पहुंचे, ठीक है, अभी हम दुनिया में ही है, ठीक है। यानी कि हॉकी दोनों में प्लेयर उतने इक्वल है, ठीक है। नहीं हॉकी का लार्जेस्ट स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा कहाँ पे है? उड़ीसा थोड़ी है, उड़ीसा के रौरकेला में, ठीक है, हाईएस्ट सिटिंग कैपेसिटी है यहाँ पे बैठने की। इसी तरह यहाँ पे इसको इसका मोदी स्टेडियम का प्रीवियस सी पहला नाम मोटेरा थोड़ी है भाई, मोटेरा मेरे को भूल ही जाता है, अब लिख लो भाई मोटेरा स्पेलिंग चेक कर लो भाई मोटेरा। और इसके बाद इसका नाम था सरदार पटेल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले प्रीवियसली इट वाज नोन एज सरदार पटेल और मोटे बोल भाई, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम, ये याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। और याद रखिएगा जो 20 अभी अंडर 20 वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। कहाँ पे हुआ था? कौन से? कलिंगा हॉकी स्टेडियम कहाँ हुआ था? कलिंगा हॉकी स्टेडियम। कौन जीता था? हाँ बेल्जियम को किसने हराया था? जर्मनी बीट बेल्जियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये रिपीट होंगे पूरे साल क्वेश्चन, ठीक है यार। यूलियन गोस्वामी आप सबको पता है इसको, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में एडिशन मेंबर बनाया गया है, इंडिया की है बॉलर है जूलियन गोस्वामी, हिकर नाइट ऑइन मॉर्गेन, इन तीनों को कमेटी का मेंबर बनाया गया है। और इसको एमसीसी के नाम से जाना जाता है, एमसीसी 1787 में बनाई गई थी, दो बार लिखा गया, ठीक है। और इसके बाद इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मैंने एक्सटेंशन, ये भी फीफा कहते हैं, ठीक है, आप सबको पता ही, सब लोग फीफा के दीवाने हैं, ठीक है, हॉकी के कम है फीफा के ज्यादा है। जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंडिया में हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा था अंडर 20, किसी ने भी नहीं देखा बट फीफा सब देख रहे थे,
ठीक है। ल्यूका मॉड्रिक ने साइन एक्सटेंशन लिया है किसका, रियल मैड्रिड का, एक साल तक मेंबर रहेंगे कौन, ल्यूका मैड्रिड। अब क्या कहते हैं कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो क्रिकेट ट्रॉफी है 2023 की सारी वो क्या सारी कंट्री में जाएगी, सारी कंट्री में तो जाएगी, उससे पहले कहाँ जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, कहाँ जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये पहली बार ऐसा होगा कोई कोई वर्ल्ड कप स्ट्रेटोस्फेयर से टूर को लॉन्च किया जाएगा। सलमान रोशदी विंस प्रेस्टीजियस जर्मन पीस प्राइज, ये दोनों आगे, दूसरी भी मैं पहले उसके साथ इसके साथ दूसरी को भी करवाऊंगी, कहूंगी अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय ने 45th यूरोपियन एसे प्राइज जीता आजादी, ठीक है, और सलमान रोशदी ने भी क्या जीता, जर्मन पीस प्राइज। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ही पहले भारतीय हैं जिनको बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया सम्मानित किया गया था। ये भी फर्स्ट मैन, ठीक है, याद रखेगा फर्स्ट मैन टू रिसीव बुकर प्राइज, बुकर इंटरनेशनल प्राइज फॉर मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट, ठीक है, इनके बुक का नाम है। और अरुंधति राय भी फर्स्ट वुमन है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, और फर्स्ट इंडियन वुमन को हिंदी हिंदी के लिए किसको मिला है, गीतांजलि श्री, बुक का नाम बोलो, टूम्बा सेन, ठीक है। यहाँ पे आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, रामाचंद्रा गुहा, इनकी एक बुक है जिसका नाम है रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर फॉर द इंडिया फ्रीडम हैज वॉन द एलिजाबेथ लॉन्ग फॉर प्राइज, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना आपका, चाहे बैंकिंग है चाहे आपका एसएससी है, ये अवार्ड वाले क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। एसएससी में तो कहीं जाएंगे नहीं, एसएससी में बहुत लंबा चलता है एसएससी, उसमें ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के लिए। और जो बच्चे अभी से 10 प्लस 2 के बाद आते हैं उनके जो आने वाले टाइम होंगे ना भाई, आपका 2022, 23, 24, 25, 26 सारा करंट अफेयर रहेगा, ठीक है, क्योंकि डे बाई डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की डेप्थ बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। कोविड से पहले ये वाला प्रोसेस शुरू हो गया था, बट कोविड की वजह से थोड़ा सा गति धीमी होने की वजह से अब क्या बीच में वही 6 मंथ किया थे, आप फिर से पीछे एसएससी में आप देख सकते हो रिसेंटली 2001 का करंट अफेयर पूछा गया। प्राइम मिनिस्टर को एक और अवार्ड मिला, हाईएस्ट इजिप्शियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द नाइल, इजिप्ट में जो नदी बहती है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है नाइल, ठीक है। इजिप्ट जो है मिडल ईस्ट कंट्री है, कैपिटल है कायरो, ठीक है, इजिप्ट जो है मिडल ईस्ट कंट्री, कैपिटल है कायरो, इससे बता मुझे, तू बता ना मेरे से क्यों पूछते हो, नहीं पढ़ा बता। अभी एक और प्राइम मिला था, कहाँ मिला था, एक और भाई रुक जा, भाई रुक जाओ, देखो बोले रुक जा, फिर वो अच्छा भी नरेंद्र मोदी देखो मिला, हां अरुंधति आ गई, आ रहा हूं, अच्छा आ गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पपुआ न्यू गिनी से भी अवार्ड मिला। नाइल जो है ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर है, क्या है, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और नाइल में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन नाइल पे आने के इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। चारित्रिका फॉर इजिप्शियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ नाइल, भाई नाइल ही है, ठीक है, नाइल इक्वेटर यहाँ से दो नहीं वो अफ्रीका है, कांगो है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, हर साल प्रेसिडेंट अवार्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड देती है, ये लिस्ट है पूरी याद कर लो, ठीक है, आपको मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल चंपारण बिहार में बनाया, ईस्ट चंपारण में बनाया जा रहा है, कहाँ पे, चंपारण, चंपारण से बहुत क्वेश्चन आते हैं,
चंपावन फेमस फॉर सत्याग्रह. महात्मा बेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया. फर्स्ट मूवमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन सत्याग्रह मूवमेंट वॉज एक ही है लार्जेस्ट भी लॉन्गेस्ट भी उसमें कोई वो नहीं है ना. लॉन्गेस्ट भी तो ना ही लिखेगा लार्जेस्ट भी जो अमेजोनस में वॉल्यूम का फर्क है पॉइंट का वॉल्यूम फर्क है. अमेजोन सेकेंड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर आ गया ठीक है याद रखिएगा. चंपारण जो है ब्रिटिशर जब बंगाल से उन्होंने इंडिगो की खेती की लड़ाई होने लगी लोग उनका विरोध करने लगे फिर वो बिहार की तरफ मूव किया था. यहाँ पे भी इंडिगो ग्रो किया इंडिगो की. यहाँ पे जब गांधी जी वापिस आए 1915 में अफ्रीका से तो पहला जो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था वो चंपारण में किया था ठीक है 1916-17 में वो खेड़ा गए 18 में वो अहमदाबाद गए. 1919 में रोलर टेक्ट हुआ 1919 में क्या हुआ जलियांवाला बाग. साथ में खिलाफत मूवमेंट भी हुई. खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने बनाई थी ठीक है. ये सारी क्या है सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ठीक है. ये क्वेश्चन भी आता है. उसके बाद आ जाओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट नेशनल फ्लोरेंस सभा. रामायण टेम्पल कहाँ पे बन रहा है बिहार में. बिहार की कैपिटल मगधा पटना. बिहार की कैपिटल पटना. पटना का ओरिजिनल है पाटलिपुत्र. नालंदा यहीं पे नालंदा जो है लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कुमारा गुप्त सेकी ने बनाई थी. हसमुख अडैया पॉइंट इज चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी ठीक है. ये सिर्फ याद रखना है. नरेंद्र मोदी द्वारा आ गया. गौतम अडानी ने भी बोला है कि लॉन्च करेगा जीतेंगे हम ठीक है. क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2023 लॉन्च करेंगे गौतम अडानी जिसमें कैंपेनिंग स्टार्ट की जाएगी जीतेंगे हम. ये नहीं इंडिया पहले में ही भाग हो जाए नहीं होगा भाई रोज ही होता है ऐसा तो देखने को लेट्स सी ठीक है. मैं कौन सा ठीक है क्या हो रहा है नहीं सही है. वैसे भी इंडिया पहले ही बाद में जब मैं कभी देखने बैठती ना फर्स्ट में ही लाइन लग जाती है. पहले बार पांच में फर्स्ट फाइव ओवर में ही होता था सारे डिफेंडिंग कोहली को दिया तो इसलिए वो ठीक है. देखते हैं कौन जीतता है ना. अफगानिस्तान ले जाएगा अफगानिस्तान की टीम अच्छी होगी बॉलिंग अच्छी ठीक है. मैक्स वेस्टर्वेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वन खेलते हैं. क्या खेलते हैं फॉर्मूला वन. कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया. बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक से लॉन्च किया सेफ्टी रोड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया बांग्लादेश एंड द वर्ल्ड बैंक ज्वाइन हैड टू इंप्रूव रोड गिलास में पहनेंगे. यहाँ पे मैं रोड में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करा रही हूँ ठीक है. वो कल करवाऊंगी. कल अपनी क्लास जल्दी कीजिए भाई. लॉन्ग जंपर मुरली श्री शंकर इन्होंने थर्ड इनको ब्रॉन्ज मिला है ठीक है. पेरिस में डायमंड लीग हुआ है जिसमें इनको ब्रॉन्ज दिया गया है. क्या वाटर बॉटल तो नहीं हुई किचन में आंटी ठीक है. ये पहली बार हुआ है. ये पहली बार इंडिया ने डायमंड लीग में थर्ड प्लेस हासिल किया. फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविक और इगा स्वेटिक ने जीता है ठीक है. मेंस में नोवाक जोकोविक एंड इगा स्वेटिक जो है इन दोनों ने फ्रेंच ओपन जीता है. डबल काम पूछते हैं ओप सिंगल वाले पूछते हैं.
ठीक है, ये छोटी सी लड़कियां अंडर 18 ने एक रिकॉर्ड बनाया है 720 में 711 इसने आर्चरी गोल्स रिकॉर्ड बनाया है। अदिति गोपीचंद इसका नाम है। अब ये दो हैं मीराबाई चानू और बिंद्या रानी देवी, ठीक है, दोनों ही रेसलिंग खेलती हैं। इनको ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी सैंट लुइस यूएसए में, इनको इनविटेशन दिया गया है। और यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन डाले हैं, बड़े इम्पोर्टेंट हैं। 7 बार सिल्वर लाई है वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुंजा रानी देवी, और पहले ओलंपिक जो वेट लिफ्टिंग में थी कर्णा महेश्वरी, ठीक है। कॉमनवेल्थ, अब यहाँ पे मीराबाई चानू इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आज का फ्रेंड अफेयर बघा रही हूँ ठीक है। मीराबाई चानू की देखिए अचीवमेंट्स क्या क्या है। कॉमनवेल्थ सिल्वर लाई थी 2000 ग्लासगो में हुआ था, 2014 सिल्वर लाई थी। वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड लाई थी कॉमनवेल्थ गेम 2018 गोल्ड, एशियन चैंपियनशिप ब्रॉन्ज, ओलंपिक गेम में सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड, फिर इस साल जो हुई है दोनों, एक में सिल्वर और एक में गोल्ड लाई है मीराबाई चानू, ठीक है। ये कल मैंने आज जो फ्रेंड एसएससी के लिए टॉपिक रखे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कल क्लास 2 हिस्सों में रहेगी, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्लस जीके का प्लस करंट अफेयर रहेगा। आपके सर आने वाले हैं, 15 मिनट ही रहे हैं। सर को निकाल दिया, क्या बोल रहे हो, तूने भी तो बोला निकालना। अरुंधति राय का ये क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन देखिए। ओमान में पहली बार किसी बाहर की कंट्री में पहली बार योगा डे मनाया गया है, ठीक है, फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट द कंट्री थ्रू योगा। शी एट वर्क फाउंडर है ये रूबी सिन्हा, इनको ब्रिक्स सीसीआई वुमेन वर्टिकल्स के लिए अपॉइंट किया गया है। ये पूरा डिस्कस करेंगे, ये ट्रेन में क्वेश्चन करना है इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं कर रही थी, ठीक है, कल रखेंगे। अरुंधति राय का मैंने पीछे बता दिया, 45th जो है यूरोपियन एसे प्राइज आजादी के लिए इसको चुना गया है, ठीक है, ये यहाँ तक रखते हैं, कल मिलते हैं। और कल हैप्पी ईद भी है तो कल बड़ी सारी मिठाइयाँ भी हम खाएंगे, ठीक है, चलो थैंक यू।